गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है क्षेत्रीय भूगोल। क्षेत्रीय भूगोल जिसको हम कहेंगे घर का भूगोल या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का भूगोल, इसको गृह प्रदेश भी कहते हैं, इसे स्थानीय भूगोल भी कहा जाता है। क्षेत्रीय भूगोल का सबसे पहले हम अर्थ लेते हैं, तो क्षेत्रीय भूगोल का अर्थ होता है घर के क्षेत्र का भूगोल, मतलब जिस जगह पर व्यक्ति या मनुष्य रह रहा है उस जगह का भूगोल या उस जगह के क्षेत्र का भूगोल का अध्ययन, कि वहाँ का प्राकृतिक वातावरण या वहाँ का पर्यावरण किस आधार पर है। क्षेत्रीय भूगोल को गृह प्रदेश भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गृह प्रदेश भूगोल में छात्र सांस्कृतिक एवं भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है। छात्र सांस्कृतिक और भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है जिसका संबंध स्थानीय तत्वों से होता है, इसलिए इसे स्थानीय भूगोल भी कहा जाता है। गृह प्रदेश भूगोल भी कहा जाएगा, क्षेत्रीय भूगोल भी कहा जाएगा और स्थानीय भूगोल भी कहा जाता है। स्थानीय भूगोल में वहाँ की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक वातावरण का किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसमें कौन कौन से तत्व समाहित हैं। स्थानीय भूगोल ही भूगोल अध्ययन की प्रथम पाठशाला है, क्योंकि बालक जब भी अध्ययन करने लगेगा तो पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करने लगेगा, और सबसे पहले वो जिस जगह पे रह रहा उस जगह का अध्ययन करेगा, तब जाके उसे पता पड़ेगा कि भूगोल क्या होता है। तो स्थानीय भूगोल ही भूगोल अध्ययन की प्रथम पाठशाला है, साथ ही विश्व भूगोल की आधारशिला है, क्योंकि अगर बालक जब एक क्षेत्र का भूगोल का अध्ययन करने लग जाएगा, एक क्षेत्र के भूगोल का अध्ययन करेगा, उसी आधार पर वो विश्व के भूगोल का अध्ययन भी कर सकता है। तो जो प्रथम पाठशाला है वो ही उसकी आधारशिला भी होती है। फिर स्थानीय भूगोल का अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर होता है। सीधी सी बात है, क्षेत्रीय भूगोल को अगर हम देखा जाए तो ऐसा भूगोल जिसमें पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र या मनुष्य जिस जगह पर रह रहा है उस जगह का अध्ययन किया जाता है, किन्हीं तत्वों के आधार पर, कि वहाँ की सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, रहन सहन कैसा है, रीति रिवाज क्या है, पर्याभौगोलिक वातावरण के आधार पर देखेंगे तो वहाँ की जलवायु कैसी है, जल स्रोत कौन कौन से, कृषि कितनी क्षेत्र में हो रही, कितने क्षेत्र में नहीं हो रही, किस क्षेत्र में नगरी आवास रहते हैं, तो इस तरीके से सारी ही जानकारी पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र के बारे में रखना, उसे कहेंगे क्षेत्रीय भूगोल। इसका निम्नलिखित आधारों पर या निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। सबसे पहला अध्ययन किया जाएगा अधिवास। अधिवास जिस जगह पर मनुष्य रहता है, जहाँ घर होता है उसका, जिस जगह पर वो रह रहा है, रहने का स्थान जिसको हम कहते हैं, तो जिस जगह पर रहने का स्थान है किसी भी मनुष्य का, वहाँ का रहने का स्थान कैसा है, भाई वहाँ की स्थानीय भूमि कैसी है। भूमि को हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र कितने हैं, मकान किस दृष्टिकोण से बनाए गए, किस उससे बने हुए हैं, बड़े बंगले बने हुए हैं, नगरी आवास बना हुआ है, नगर पालिका लगती है, पंचायत लगती है, क्षेत्रीय क्षेत्र आता है, ग्रामीण क्षेत्र आ रहा है, तो इन सारी ही चीज़ों का अधिवास वहाँ का अध्ययन करना, कि वो जहाँ पर रह रहा है वो वहाँ पर घर की या रहने की स्थिति किस आधार पर है। दूसरा हैगा ऋतु परिवर्तन, कि मौसम का परिवर्तन किस अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर हम साउथ की तरफ का एरिया लेंगे तो वहाँ पर ऋतु परिवर्तन अलग तरीके से होता है। वहाँ पर जैसे चक्रवाती तूफान आया, हालामी अफान जिसे हमें कहते हैं, हमने उसका नाम था, और दूसरे क्षेत्रों में देखें जैसे दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम में देखें तो उस तरफ इस तरीके से तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उत्तर पश्चिम की तरफ में। तो इस तरीके से उत्तर पश्चिम की तरफ में अभी क्या गर्म लू चल रही है। तो ऋतु परिवर्तन किस आधार पर होता है, वहाँ पर ऋतु कौन कौन सी पाई जा रही है, क्या कौन कौन सी ऋतु आती है और कौन कौन सी ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम ऋतु परिवर्तन में अधिवास क्षेत्र अगर हम उत्तरी ध्रुव रखते हैं, वहाँ पर वैसे अधिवास होता नहीं है, लेकिन अगर हम एक सपोज मान लो उदाहरण के तौर पर कि अधिवास हमारा उत्तरी ध्रुव पर है, तो वहाँ पर ऋतु परिवर्तन क्या होगा, वहाँ पर ऋतु परिवर्तन ज़्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गर्म ऋतु तो होती ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कौन सी ऋतु रहती है, ठंडी ऋतु रहती है। तो इसलिए ऋतु परिवर्तन किस आधार पर, वहाँ पर परिवर्तन या मौसम किस किस अकॉर्डिंग होते हैं, मौसम की कितनी दशाएं होती हैं, ऋतुएं कितनी पाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना उसी क्षेत्र का जिस क्षेत्र में व्यक्ति या मनुष्य रहता है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, धरातल का विज्ञान। धरातल मान की स्थलाकृतियाँ कैसी है,
पठार कितने हैं, मैदान कितने हैं, या पठार पर्वत है भी या नहीं है। जैसे हम अरावली क्षेत्र लेंगे, वहाँ पर पर्वत ज़्यादा पाए जाते हैं, और हम दूसरे क्षेत्र लेंगे, मैदानी क्षेत्र लेंगे, हम जैसे कोटा बूंदी इस तरफ का एरिया लेते हैं, वहाँ पे मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पे पठारी क्षेत्र नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। तो धरातल का विज्ञान, जिस क्षेत्र में मनुष्य रह रहा है वहाँ का धरातल कैसा, वहाँ की स्थलाकृति कैसी, कितने पर्वत पर कितने प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जा रही है, पर्वत भी पाए जाते हैं नहीं पाए जाते, पर्वत पठार है या नहीं है, नदी है या नहीं है, द्वीप है या नहीं। तो इस तरीके से वहाँ की धरातल का स्थिति का ज्ञान करना। फिर आता है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान कि हम ये कह सकते हैं कि जलवायु के अंतर्गत वहाँ की मौसम कैसा रहता है, जलवायु कैसी है, ग्रीष्म जलवायु आद्र है शुष्क है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जलवायु कितने प्रकार के उस क्षेत्र में पाई जा रही है। तो इस आधार पर जलवायु विज्ञान का अध्ययन करना, वहाँ के मौसम के विज्ञान का अध्ययन करना, पवनों का अध्ययन करना, और जलवायु कितने प्रकार की उस जगह पे पाई जा रही है इस चीज़ का अध्ययन करना, उसी क्षेत्र का बारे में पता रखना। फिर तीसरा पांचवा आता है प्राकृतिक वनस्पति। उस क्षेत्र की पर्टिकुलर गृह क्षेत्र जो है, उस गृह क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति क्या, उन कौन सी पाई जा रही है, और प्राकृतिक वनस्पति का कितना एरिया या क्या क्या एरिया वहाँ पर लोगों के रोजगार के व्यवसाय के काम में आ रहा है। क्योंकि वनस्पति है, वनस्पति अगर किसी क्षेत्र में ज्यादा पाई जा रही है तो वहाँ पर जो छोटे ज्यादा तबके के मजदूर लोग होते हैं वो भी रोजगार कर सकते हैं। वनस्पति जंगलों में या वन क्षेत्र में जाकर वहाँ से कई भी चीज़ों को लाकर और बेचकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जिन क्षेत्र में वनस्पतियाँ कम पाई जाती है, वनस्पति क्षेत्र नहीं है, उन क्षेत्रों में इस तरीके से छोटे रोजगार नहीं उपलब्ध हो सकते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति कितने क्षेत्र में पाई जा रही है, जैसे अरावली क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति अधिक पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियाँ कम है ज़्यादा नहीं है। तो प्राकृतिक उस जिस क्षेत्र में मनुष्य रह रहा है उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति किस तरीके की और किस कौन कौन सी पाई जा रही है। फिर है उद्योग व्यवसाय। जिस क्षेत्र में मनुष्य रहता है उस क्षेत्र में उद्योग व्यवसाय क्या कौन से हैं, उद्योग कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, या वहाँ पर कुछ बड़े उद्योग पाए गए हैं, व्यवसाय का साधन कैसा है, रोजगार उपलब्ध होते हैं या नहीं होते हैं, रोजगार में हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग रोजगार है या नहीं है। तो ये सारी ही चीज़ों का अध्ययन करना। परिवहन के साधन, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए परिवहन का उपयोग करता है, तो परिवहन के कौन कौन से साधन पाए जा रहे हैं, कि वहाँ पर अगर सड़क पर की सड़कें हैं तो वहाँ पर गाड़ियाँ या ट्रक वगैरह चल सकते हैं, नहीं चल सकते, बसें आ सकती हैं नहीं आ सकती। अगर वहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो रह रहा है, ऐसा गांव है जहाँ पर पक्की सड़कें नहीं हैं, सड़कों का अभी भी वो नहीं वो वहाँ पर बना हुआ है, तो वहाँ पर क्या चल रहा है कि वहाँ पर साधन परिवहन के नहीं पहुँच सकते, पैदल यात्रा लोगों को करनी होती होगी, या साइकिल का दो पहिया वाहन का प्रयोग करना पड़ता होगा। तो वहाँ का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए कौन से साधन अपनाए जाते हैं जिस क्षेत्र में मनुष्य रहता है। फिर आता है आठवां, कृषि संबंधी जानकारी। कृषि की कितने प्रकार की कृषि वहाँ पे पाई जा रही है, और कृषि कितने मनुष्य कर रहे हैं, कृषि से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, वो जिस क्षेत्र में मनुष्य रह रहा है वो क्षेत्र क्या कृषि पर ही आधारित है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कृषि की जाती है नहीं की जाती। या जिस क्षेत्र में, जैसे सपोज मान लो अगर वो बम्बई या दिल्ली में रह रहा है, तो वहाँ पर कृषि का क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर क्या पाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग पाए जाते हैं। अगर वो किसी गाँव में रह रहा है तो वहाँ पर क्या पाई जाएगी, कृषि ज़्यादा होगी, वहाँ पर उद्योग कम होंगे। फिर है जल स्रोत। जहाँ पर कृषि अधिक होगी वहाँ पर जल स्रोत भी जैसा अच्छा होएगा। जल स्रोतों के कि जल का उपयोग जो मनुष्य कर रहा है वो जल कहाँ से उसे प्राप्त हो रहा है और किस जगह से वो जल आ रहा है, तो जल के स्रोत क्या और कैसा जल वहाँ पर पाया जा रहा है। फिर है विदेशी एवं विदेशी व्यापार। मनुष्य जिस क्षेत्र में रह रहा है वहाँ से विदेशी या देशी व्यापार होता है या नहीं होता है। कृषि हो रही है तो कृषि सिर्फ सीधे कि देश में ही होती है कि विदेश में भी इसका व्यापार हो रहा है, या उद्योग हो रहा है तो उद्योग सिर्फ देश या विदेश में ही हो रहा है, या कहीं वो अलग जगह पे भी जाकर उसका अलग विदेशों से भी कहीं पर कांटेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एक क्षेत्र का अध्ययन हम इन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं, और मनुष्य को या बालक को इन बिंदुओं के आधार पर जिस क्षेत्र में वो रह रहा है उस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो समझ सके कि स्थानीय भूगोल क्या है, या भूगोल की प्रथम पाठशाला जो कहा गया है कि भूगोल किसे कहा जाएगा। तो इस चीज़ को अगर वो जानेगा, अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी रखेगा, तो अब वो सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकता है, आगे वो भूगोल में।
अपनी रुचि बढ़ा सकता है। तो इससे संबंधित आपके नोट्स और आप क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे।